हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू ब्यूटीफुल योर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है ऑरेंज पील ऑफ मास्क के ऊपर। तो आपने बहुत सारा ऐड देखा होगा इस प्रोडक्ट के बारे में जो क्लेम करता है नेचुरल ग्लो। तो ये है एवरयूथ्स नेचुरल का नेचुरल ग्लो ऑरेंज पील ऑफ मास्क होम फेशियल, इसमें मेंशनड है। सो दिस इज़ होम फेशियल एंड फाइट स्टैंड। तो इसमें लिखा है इसके साथ ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट के साथ इसमें है नैनो मल्टीवीटा एंड ये तीन एक्शंस आपको इसमें तीन फायदे हैं ये लगाने के। सबसे पहला है पील्स अवे डर्ट ग्राइम बैक्टीरिया एंड पोर क्लीन कर लेता है आपकी, जिसकी वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम है बैक्टीरिया की वजह से एक्ने वैक्ने वो सब नहीं होगी। हेल्प्स फाइट टैनिंग, स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन इसमें लिखा है सप्लाईज ऑक्सीजन टू द स्किन एंड मॉइस्चराइजेस फॉर हेल्दी ग्लो एंड वाइटलिटी। ठीक है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को, मतलब टोटल मिला के स्किन आपकी साफ सुथरी मॉइस्चराइज टोन्ड और रेडियंट एंड इंस्टेंट ब्राइटनेस, ये सब क्लेम है इसके। इसमें लिखा है 15 से 20 मिनट इसको आपको लगा के रखना है और उसके बाद आपको पील ऑफ करना है। अगर पील ऑफ नहीं हो पाता तो आप वॉश कर लीजिए, पील ऑफ फ्रॉम फॉरहेड टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन और वॉश ऑफ इफ़ रिक्वायर्ड। तो आइए इसको ट्राई करके देखते हैं कि जैसा ये क्लेम करता है वैसा कुछ होता भी है कि नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ इसको एग्जैक्टली लगाना कैसा है। तो पहले देखते हैं हम इसको लगाएंगे कैसे। तो जैसे ही आपने देखा इसको लगाना बहुत ही इजी है क्योंकि ये ट्यूब फॉर्म में आप आराम से इसे लगा सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स में, जो बात मुझे इस प्रोडक्ट की अच्छी लगी और जो नहीं अच्छी लगी। सबसे पहले जो बात मुझे इस प्रोडक्ट की अच्छी लगी वो ये है कि ये प्रोडक्ट मेरे स्किन टेक्सचर को थोड़ा चेंज किया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैंने पील ऑफ किया कि मेरे पोर साइज़ है वो थोड़े से मुझे श्रिंक लगे फॉर दैट मोमेंट, मुझे हाँ श्रिंक लगे, थोड़े छोटे लगे। तो पोर पे इसने काम किया और टेक्सचर पे काम किया। इमिडिएटली लगाने से मुझे कूलिंग सेंसेशन भी हुआ, तो अच्छा रिलैक्स फीलिंग हो रहा था, कूलिंग सेंसेशन था। इनिशियली मुझे जलन हुई करीबन 2 से 4 मिनट, मुझे इनिशियली जैसे लगाते जा रही थी तो मुझे बर्निंग सेंसेशन फेस पे हो रहा था, बट उसके बाद थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे कूलिंग इफेक्ट लगा, कुछ भी बर्निंग या इचिंग नहीं लगी। तो मुझे लगा शायद एक्ने हो जाएंगे या कुछ इससे साइड इफ़ेक्ट होगा, बट एज सच मुझे एक्ने नहीं आया इससे। और उसके साथ जैसे ही क्लेम करता है डस्ट और बैक्टीरिया ये सब निकाल देता है, वो तो पील ऑफ किया तो आपका फेस एकदम आपको क्लीन लगेगा ही, तो वो भी एक प्रो था कि आपको इंस्टेंटली फेस क्लीन लगेगा। मुझे ये भी लगा कि जैसे इसने क्लेम किया है कि फाइट स्टैंड, मुझे जैसे ही मैंने पील ऑफ किया मुझे स्किन क्लीन लगी और थोड़ी क्लियर भी लगी, मतलब मुझे टैनिंग में भी फ़र्क दिखाई दिया, मुझे स्किन का जो टोन है वो इवन लगा, टेक्सचर में भी फ़र्क दिखाई दिया, टोन में भी फ़र्क दिखाई दिया। अब आते हैं इसके कॉन्स में कि जैसा इसने क्लेम किया कि रेडिएंट और ग्लो नेचुरल ग्लो एंड रेडिएंट जैसे ही क्लेम करता है, मुझे एज सच कुछ भी ग्लो नहीं दिखाई दिया, स्लाइट सा भी ग्लो नहीं दिखाई दिया, ना कि मुझे रेडिएंट स्किन दिखाई दी और स्किन ना मुझे मॉइस्चराइज लगी ना मुझे ड्राई लगी। तो स्किन वॉज नॉर्मल, बट जैसा इसने क्लेम किया है कि ग्लो के लिए और रेडियंस के लिए, मुझे कुछ भी नहीं लगा ऐसा, ग्लो और रेडियंस किधर किधर दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई दिया। बट हाँ मुझे फेस की स्किन क्लीन, पोर्स थोड़े श्रिंक,
टेक्सचर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, और ड्यूरिंग द प्रोसेस जब लगा हुआ था तो मुझे कूलिंग सेंसेशन हो रही थी, रिलैक्सेशन हुआ, और निकालने में भी मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई मास्क में, बट रेडियंस एंड ब्राइटनेस मुझे नहीं मिली। टैन में ज़रूर मुझे फ़र्क दिखाई दिया, मुझे टैन थोड़ा हल्का दिखाई दिया, टैन थोड़ा मुझे लगा कि मेरी स्किन टैन हो चुकी थी, जो मुझे इवन लगी इसको निकालने के बाद। अब आते हैं कि ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि नहीं, मेरी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है, अगर मुझे इवन टेक्स्चर के लिए लगाना हो और मुझे टैनिंग थोड़ी लाइट करने के लिए लगाना हो तो हाँ, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। लेकिन अगर मुझे किधर पार्टी में जाना हो, बाहर जाना हो, ब्राइटनिंग एंड रेडियंट एंड ग्लो के लिए लगाना हो तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप सिर्फ ग्लो के लिए ले रहे हैं तो प्लीज़ ये ग्लो नहीं देगा, बट आपको क्लीन स्किन दे सकता है। और मेरी एक्ने और ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है तो ऐसे मुझे बैक एक्ने नहीं आए। एक और बात, जब आप लगाएंगे तो आपको थोड़ी बर्निंग सेंसेशन होगी। जब मैंने ये लगाया तो इमिडिएटली तब उस दौरान मुझे बर्निंग सेंसेशन फील हो रही थी, बट दो मिनट के बाद वो सबसाइड हो गई, दो मिनट के बाद मुझे फील नहीं हुआ। उसके बाद ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस मुझे कूलिंग इफेक्ट ही लगा। और एक और बात, इसने लिखा है 15 से 20 मिनट, लेकिन ये मास्क थिन नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप थिन लगाओगे तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये थिन नहीं, मैंने थोड़ा थिक ही लगाया, जिसको सूखने में करीबन एक घंटा लग गया, क्योंकि अगर अच्छे से ये नहीं सूखेगा तो पील ऑफ नहीं हो पाएगा, फिर आपको वॉश ऑफ ही करना पड़ेगा, तो पील ऑफ का फिर फ़ायदा नहीं है। तो एक और इसका ये कौन था कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक रखना पड़े, सूख ही नहीं रहा था, बहुत टाइम ले रहा था सूखने में, जो मुझे एक इसकी नेगेटिव बात एक और कौन लगा। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं और भी प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करूँगी, इसके लिए सब्सक्राइब, एंड टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।